अब रात में भूत प्रेतों का भी बहुत ज्यादा दिक्कत है। अच्छा, रात में यहाँ पर भटकती आत्माएं तो वो सब भी आपको आकर बोलेंगे कुछ भी, तो आप सुनना नहीं है, इग्नोर करके सोया रहना है। और वो टॉर्च जला कर देख रहे थे तो नीचे भालू बाघ शेर सब हरकत में थे। और आपको कहीं पर भी रात में स्टे अगर करना है तो अपना चना प्याज और मिर्च। अभी जैसे जैसे उजाला हो रहा है ना वैसे वैसे देखो इधर का, देखो कितना भयानक सा लग रहा है। अभी सारा पहाड़ को ना क्रॉस करके अपने को ना पहाड़ की एकदम अपोजिट साइड जानी है, टॉप पे एकदम जानी है। जय श्री राम गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइस, अभी अपन लोग आगे आए जंगल से तो थोड़ा सा अच्छा रोड मिला, तो अपन लोग सोचे यार वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो ये अपना डे टू का ब्लॉग है गाइस, मतलब ब्लॉग नंबर सेकंड है। तो अपना फोर व्हीलर क्विड जो कि बहुत ही ज़्यादा क्विट है, ये देख रहा हूँ नीचे के साइड कैसे ऊपर से नीचे गया एकदम, फिर अचानक से ऊपर उठेगा भाई। ऐसे जिलेबी वाला देखे हो ना, गंदा वाला यू ओ बना देता है भाई, ओ ऐसे घूम के ना कंटिन्यू ओ बना देगा, ऐसा है। तो भाई जो भी एक्सपीरियंस्ड होना ना वही सब रोड में चलाना, वरना मत चलाना फोर व्हीलर। ऐसा रोड में एक्सपीरियंस नहीं है तो, अपने पास तो है एक्सपीरियंस इसीलिए चला रहे हैं। प्लस देख रहा हूँ 117 मीटर बंगी पार्किंग, अच्छा देख रहे हो सारा कुछ यहाँ पे ना, जो भी उधर होगी ना बंगी जंपिंग सारा कुछ यहाँ पे है भाई बद्रीनाथ में। और ये होटल है तो ये सारा कुछ मिलेगा यहाँ पे, देख रहे हो कुछ कुछ है ना बंगी जंपिंग 107 मीटर हाइट वाला से जंप करवाएगा आपको, मतलब ये वाला जंप दिख रहा है ना, ये देखो स्काई जंप, ये प्लस वो झूला दिख रहा है ना दोनों। तो अभी यहाँ से बस निकलते हैं और फिर आपको रोड दिखा। लोग नीचे की साइड चल रहे हैं, सेकंड गियर लगा दिए हैं। और अभी देखना ना, अभी देखना कितना भयानक वाला इधर रोड है। यहाँ पे तो थोड़ा बहुत नॉर्मल होगा लेकिन आगे का रोड देखना बहुत ही भयानक वाला और मोस्ट डेंजरस रोड में से एक रोड ये वाली है। ये तो उसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद नेक्स्ट आएगी ना उधर वाला और भी ज्यादा डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ से नहीं भी माने तो 200 किलोमीटर पड़ता है और बद्रीनाथ। तो ये देखो यहीं से देख लो कैसा मोड़ आता है ना, ये मोड़ देखना अभी सारे लोग चढ़ा के, ये देखो मोड़ भाई, ये स्पीड में आओगे ना तो भाई मतलब ये सब मोड़ है, ये देखो प्लस नीचे एकदम पूरा का पूरा पहाड़ी है, देख रहे हो कैसा मोड़ आ रहा है ये भाई, ये देखो देख रहे हो प्लस तुरंत यहाँ पे आए और फिर तुरंत एक मोड़ और, ये देखो ये बोलते हो ना झारखंड का घाटी से भी मोस्ट डेंजरस घाटी है भाई, घाटी नहीं बोलते। ये देखो भाई ऐसा, ये देखो तुरंत सामने से एक कार भी आ गया, तो इसका बहुत अच्छे तरीके से देख के चलाना पड़ता है भाई। तो प्लीज यार आना तो समझ रहे हो ना, एक्सपीरियंस लेके ही आना तभी इधर आना खुद से ड्राइव करने के लिए। ये देखो अभी भाई साहब कहाँ पे गाड़ी कितना स्पीड मांगता है ना, उसका पूरा एकदम तुम्हारे पास नॉलेज होना तो ज्यादा बेटर होता है। मेरे को तो पहले स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती थी बट अभी उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, मेरे को थोड़ा बहुत तो मैनेज हो गया यार अब। ये देखो अभी अचानक से ऊपर चढ़ाव आएगा, थोड़ा बहुत सही है, अभी देखना कैसा वाला चढ़ाव आके ना कैसा वाला टर्निंग देगा। देखो यहाँ पे पुलिस का ये सीन है, उत्तराखंड पुलिस देख रहे हो, वन वे ऋषिकेश टू हरिद्वार। अरे भाई ये देखो भाई ऊपर की साइड देख रहे हो कितना भयानक वाला, ऊपर दिखेगा नहीं क्योंकि अंधेरा है ना, ऊपर नहीं दिखेगा। ये देखो अभी टर्निंग वाला भाई साहब, पहाड़ ऊपर भयानक है और नीचे के साइड से ये देखो कैसा ओवरटेक हो रहा है, ये मैं आपको दिखाऊं। ये देखो ऐसा हमेशा करके चलना ताकि आगे का जो रात का टाइम है ना तो उधर से जो आगे वाली गाड़ी आएगी ना वो आपका लाइट को पहचान जाए। ये देखो ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि यहाँ पे हॉर्न काम नहीं आता भाई, ये तो अभी कुछ भी नहीं है ना, नेक्स्ट वाली जो आएगी ना वो वाली आपको दिखाते हैं डायरेक्ट भाई। ये स्पीड देखो अभी 57 का स्पीड में जा रहा है अभी अपन लोग, देख रहे हो 52-53 ऐसा स्पीड जा रहा है। और अभी अंधेरा इतना है ना कि भाई मतलब अभी चलाने में मजा है, सही है क्योंकि दिन में ना थोड़ा सा रस हो जाएगी तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होगी, टाइम भी काफी ज्यादा लेगा, तो इसी कारण से नाइट में काफी बेटर होगा, काफी सही होगा। बट सारे लोग नाइट में मत चलाना तो ज्यादा सही रहेगा।
भाई देखो अभी चिगजा कितना भयानक वाला आ चुका है। अभी इससे पहले जस्ट एक क्रॉस किया, अभी देखो ये वाली। ओ भाई ये देखो स्पीड में मुड़ोगे ना तो भाई लगेगा कार ना एक तरफ का भाग रहा है एकदम, मतलब बॉडी उसका एक साइड जिस तरफ तुम्हारा टर्निंग हो ना उसका अपोजिट साइड एकदम बॉडी भागेगा, ऐसा हो जाता है टर्निंग पे। ये देखो ऊपर चढ़ाओ प्लस कैसा वाला टर्निंग है वो देखो, ये देखो भाई भाई पूरा ओ में, भाई पूरा ओ में घूम चुका है ये, हाफ यू बोल सकते हैं इसको। अब ये देखो इधर तुरंत से इधर एकदम, और अभी तो सुबह टाइप का हो रहा है ना तो पूरा ऊपर का भी पहाड़ दिख रहा होगा। बस आधा घंटा और वेट करो इसके बाद ना देखना कितना भयानक वाला पहाड़ का नजारा दिखेगा। अभी जैसे जैसे उजाला हो रहा है ना वैसे वैसे देखो इधर का सीन काफी मस्त लग रहा है यार, जैसे जैसे उजाला हो रहा है। यहाँ से भी देखते हैं जोशीमठ और कितना दूर होगा, मैं भी 7 घंटा का और रास्ता है क्योंकि ऐसा रास्ता है ना तब भयानक सा लग रहा है। अभी सारा पहाड़ को ना क्रॉस करके अपने को ना पहाड़ की एकदम अपोजिट साइड जानी है, टॉप पे एकदम जानी है, सारा पहाड़ को क्रॉस करनी है। चारों तरफ देखो पूरा पहाड़ से घिरा हुआ, अपन लोग बीच में फोर व्हीलर को ड्राइव कर खींच रहा है ना इसी कारण से गाड़ी स्लो। प्लस यहाँ पे लिखा हुआ था भाई कि कार को जो भी व्हीकल्स है उसको स्पीड में पार करें क्योंकि कहीं से भी चट्टाने गिर सकती है, तो इसी कारण से अपन लोग स्पीड में पार करने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन पावर उतना मिल नहीं पा रहा। अब थोड़ा थोड़ा ठंडा लग रहा है यार यहाँ से, मतलब थोड़ा थोड़ा ना ठंडा का आगमन स्टार्ट हो जाता है। हाइला यार इतना पहाड़ के बीचों बीच अपन लोग अभी फोर व्हीलर चला रहे हैं यार, मैं कभी सपना में नहीं सोचा था यार कि ऐसा जगह भी अपन लोग फोर व्हीलर चलाएंगे, बट यार सपना ना देख के भी सपना पूरा कर रहे हैं। सोचो सपना देखे नहीं थे लेकिन वीडियो के चक्कर में भाई कहीं भी चले जाते हैं, प्लस भगवान का दर्शन है भाई, भगवान का दर्शन के लिए तो कहीं भी जाएंगे। ये भाई ये देखो यार, ये देखो अभी यहाँ पे चढ़ाव कैसा हुआ ना वो देखो, यहाँ पे अपन लोग पावर तो 3 गियर पे लेके रखे हैं। अरे भाई सब ये देखो भाई अचानक से दिखा कैसा वाला टर्निंग था भाई यार, इधर वाला एक और टर्निंग होगा, मेरे को पता नहीं था कि ऐसा वाला टर्निंग होगा बट ये वाली तो पता है क्योंकि अपने को दूर से दिख गई ये वाली टर्निंग। सवाई ये देखो ये भाई अपना पटना से केदारनाथ की तरफ सिर्फ पैदल जा रहे हैं, कितने दिन हुआ अभी आपका निकले हुए पटना से? 27 दिन। ये सिर्फ हर एक नाइट को स्टे करते हैं, बाकी सुबह से शाम तक आप चलते रहते हो है ना जी। तो सोचा 27 दिन से कंटिन्यू चलते आ रहे हैं 27 डेज, अभी तक कितना 27 डेज हो चुका ना, 27 नाइट आप स्टे किए होगे है ना। पटना में कहाँ से निकले हो? पटना में सगुना मोड़ से। सगुना मोड़ से और केदारनाथ तक लास्ट आपका होगा, वहाँ के बाद फिर अपना आप ट्रेन से किसी भी गाड़ी से या किसी भी मतलब क्या साधन से हो जाएगा। अच्छा कोई भी साधन से आप जा सकते हो फिर है ना। हाँ। ओ यार भाई मतलब मैं भी ऐसा सोच रहा हूँ कभी करने का, बट देखते यार टाइम मिलता है। यहाँ पर अगर आप सोच रहे करने का हाँ। तो मैं पर्सनली आपको बोलूंगा हाँ कि ये मत कीजिएगा। अच्छा ये मत करें ये, क्योंकि इसमें आपका जान का खतरा हर समय बना रहेगा। अच्छा यहाँ का कुछ मतलब लोकल कुछ मान्यता है हाँ हाँ। मतलब रात में भूत प्रेतों का भी बहुत ज्यादा दिक्कत है। अच्छा जिस ढाबा पर रुके हुए थे हाँ। 6 बजे के बाद उन्होंने बोला आगे मत बढ़ना, बाघ चीता शेर ये सब जाएगा। अच्छा इधर से भी क्रॉस करती है ना पूरा, मतलब पहाड़ों से आएगा कहीं पे भी। दूसरा उन्होंने बोला कि रात में यहाँ पर भटकती आत्माएं तो वो सब भी आपको आकर बोलेंगे कुछ भी, तो आप सुनना नहीं है, इग्नोर करके सोया रहना है। अच्छा मतलब सोए रखना है या फिर अगर चल रहे हो तो सिर्फ चलते ही जाना है, उसका बात सुनना नहीं है, इग्नोर करते जाना है। तो भाई सब जो यहाँ के लोकल्स हैं वो सब हमें बहुत अच्छे से डिटेल्स में बताएं, और हमें रात जो है ये सच में देखे हम कि मतलब कितने बार टॉर्च जला कर देख रहे थे तो नीचे भालू बाघ शेर सब हरकत में थे, और आपको कहीं पर भी रात में स्टे अगर करना है तो सेफ जगह जहाँ पे पूरा लोग हो वहाँ पर करें, अकेले ना करें वरना आपकी जान को खतरा हो सकता है। अच्छा यार थैंक यू यार बताने के लिए भाई, परिवार के साथ है तो ये वीडियो जरूर वो लोग देखें कि कहीं भी 6 बजे के बाद कहीं भी परिवार के साथ है तो कहीं साइड में गाड़ी रोक कर कहीं भी इधर उधर ना करें क्योंकि ये पूरा एरिया जंगली जानवरों से भरा पड़ा है। एकदम सही बोले यार, बट थैंक यू यार मिलने के लिए, थैंक यू यार बताने के लिए सारा कुछ। सो कुछ बोलना चाहोगे सब्सक्राइब
ड्राइवर्स को हमारे? बस यही बोलना चाहेंगे कि हमें चैनल है तो आप उस पर मुझे देख सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम अकेले चलते हैं, आपके कमेंट से मुझे हिम्मत मिलेगी। तो 108 आयांस के नाम से यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल है, और भैया को भी देख रहे हैं तो भैया को भी और सपोर्ट करें कि आगे ये बढ़े। हाँ चलो, थैंक यू भाई। मैं ना इनका भाई का चैनल का लिंक जो भी होगा ना मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप लोग प्लीज जाके इनका वीडियो को देखना और प्लीज यार भाई को सपोर्ट करना, क्योंकि समझ रहे हो ना, ये देखो पटना से केदारनाथ भाई मतलब टोटल 1245 किलोमीटर पैदल यात्रा ये तय कर रहा है। तो सोचो यार खुद में ये कितना मतलब डेंजरस वाला काम ये कर रहा है। 27 दिन अभी हो चुका है, अभी कितना दिन और होगा पता नहीं। तो अभी मैं आपका इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, प्लीज गाइस फॉलो कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इनका।